बात करते हैं रॉयल रंबल 2023 के एंडिंग के बारे में। नंबर 26 के ऊपर अपने रिया रिप्ली एंटर करेंगे, नंबर 27 के ऊपर रैंडी ऑर्टन आएंगे, नंबर 28 के ऊपर अपने लोगन पॉल आएंगे, नंबर 29 के ऊपर सीनियर खिलाड़े जॉन सीना आएंगे, लेकिन नंबर 30 के ऊपर द पीपल चैंप द रॉक का सबसे इलेक्ट्रीफाइंग म्यूजिक हिट होगा, जो रॉयल रंबल की थीम है इलेक्ट्रीफाइंग, उससे क्या अंदाजा द पीपल चैंप द रॉक आएंगे। लेकिन अपने जॉन सीना अपने द रॉक को एक पीपल क्या बोलते हैं जर्मन सुपरलिस्ट लगाएंगे, वहाँ से अपने द रॉक काउंटर करेंगे, उसको पीपल्स एल्बो में कन्वर्ट कर देंगे और फिर मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मूव आएगा द रॉक का, सीधा एलिमेंट कर देंगे द रॉक को और फिर द रॉक का थीम सॉन्ग बजेगा, क्या बोलते हैं फायरवर्क्स होगी, रॉयल रंबल की एंडिंग होगी और फिर अपने रॉयल रंबल के साइन के ऊपर या फिर रेसलमेनिया के साइन के ऊपर अपने द रॉक अपना साइन दिखाते हुए नजर आएंगे और वो सीधा चैलेंज करेंगे रोमन रेंस को, लेकिन वहाँ से रोमन रेंस का थीम सॉन्ग प्ले होगा, रोमन रेंस का एंडिंग और अपने द रॉक का फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन शायद देखने को मिल सक्था है इस रॉयल रंबल की एंडिंग में। गाइस रोमन रेंस रिंग साइड के या फिर कमेंट्री टेबल से पूरा रॉयल रंबल का मैच देख रहे होंगे, क्योंकि उनको भी पूरा यकीन था कौन रॉयल रंबल जीतेगा, उनको भी टेंशन था, इसलिए पॉल हेमन रिंग साइड के ऊपर बैठे होंगे, वहाँ से एंडिंग में रोमन रेंस आएंगे, कन्फ्रंटेशन एकदम धमाकेदार देखने को मिलेगा और बस यही रॉयल रंबल की एंडिंग होगी और रेसलमेनिया 39 का रोड रेसलमेनिया रोमन रेंस द रॉक मैच का सेट हो जाएगा फॉर द रेसलमेनिया 39।